नमस्कार, मैं फिरोज हाशमी। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं शिवसेना के। ऐसे में कलवा मुमरा के नेता तो नेता आम जनता भी चर्चा करने पर मजबूर है। आखिर कलवा मुमरा से शिवसेना किसको टिकट देगी, क्योंकि अब एक ही दिन बचा है, यानी 4 अक्टूबर कल आखिरी दिन है और नामांकन करने का, कहे उम्मीदवारों का यानी पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है और लोग चाय पे चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि शिवसेना आखिरकार किसको टिकट देगी। कभी सुभाष भोईर का नाम सामने आता है तो कभी रविंद्र तायड़े का नाम आता है, लेकिन आज जो खबर सामने आई है वो ये है, फिल्म अभिनेत्री दीपाली सैयद कलवा मुमरा से चुनाव लड़ेंगी। हम आपको बता दें, दीपाली सैयद मराठी फिल्म की अभिनेत्री हैं और काफ़ी फिल्मों में अपने किरदार को लेकर मराठी सिनेमा घरों में फेमस हैं और उनके फैंस भी मुमरा कलवा में भारी तादाद में हैं। अब शिवसेना की तरफ से ये खबर चल रही है, कलवा मुमरा से दीपाली सैयद चुनाव मैदान में उतरेंगी। कल 4 अक्टूबर है यानी आखिरी दिन है और कल दीपाली सैयद जो है कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारी की फॉर्म भरेंगी। अगर दीपाली सैयद चुनाव लड़ती हैं तो जितेंद्र अवार्ड का टक्कर दे सकती हैं, कांटे की टक्कर मानी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसा हुआ तो आमदार सुभाष भोईर कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी भी लोग कयास लगाए हुए हैं आमदार सुभाष भोईर का, शायद वो मुमरा से फॉर्म भर दें। अगर वो नहीं भरते हैं तो दीपाली सैयद को मुमरा कलवा में आना तय है, जिस तरह से ये खबर चल रही है, और जितेंद्र अवार्ड के सामने दीपाली सैयद अपनी जलवा बिखेरेंगी। और वहीं दूसरी खबर, मुमरा कलवा से MIM के उम्मीदवार गुंजन शेख ने आज अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भर दिया है अपने टीमों को लेकर जो है, और वहीं पर MIM के कुछ कार्यकर्ता जो कि गुंजन शेख को टिकट मिलने से नाराज हैं, वो नामांकन के समय गुंजन शेख के साथ नहीं पहुंचे। लेकिन एक तरफ ये साफ है, MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के फैसले को लेकर अक्सर बयानबाजी होती है, ओवैसी साहब का फैसला हर कोई मानने को तैयार होता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई इधर है तो कोई उधर है। लेकिन उम्मीदवारी दाखिल करने के बाद गुंजन शेख ने क्या कहा, सुनिए। गुंजन शेख जो है, आज आपने फॉर्म भर दिया है और कितने लोगों के साथ आज आपने फॉर्म भरा है और क्या लोगों का रिस्पांस रहा है और किस तरह से इस विधानसभा चुनाव में आप जो है फाइट करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे? अभी इस विधानसभा में इंशाल्लाह, आज तो देख ही लिए रैली में जितने लोग थे मेरे भरने आए थे, पर्चा भरे हैं, कल से मेरा प्रचार चालू होगा, इंशाल्लाह दिखाता हूँ आपको। जो MIM के चाहने वाले थे, MIM के लोग थे, वो बराबर सब रैली में थे, पर्चा भरने में थे, साथ में मेरे थे। आज भी शाह आलम भाई मेरे साथ में है और कमरुल हुदा मेरे साथ में है और MIM के जितने कार्यकर्ता है, देखो अमजद बरकाती साहब प्रवक्ता है, वो हमारे साथ में है और बकिया जितने सब कार्यकर्ता सब साथ ही में है। शाह आलम भाई, आप ये बताइए, सिर्फ आपके अलावा लगभग 8 से 9 ग्रुप है MIM के, वो लोग यहाँ नजर नहीं आए? मैं ग्रुप की बात नहीं करता हूँ, मैं MIM का नगर सेवक हूँ, मैं सीधर हूँ साथ में फॉर्म भराने के। तो उनको कैसा मनाएंगे, उनको कैसा लाएंगे? आ जाएगा इंशाल्लाह, जाएंगे हम लोग, मनाएंगे हम गुंजन से, बस आज से चालू कर देंगे, आज चालू कर देंगे। गुंजन सेठ, आपको टिकट जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने व्हाट्सएप पर या ट्वीट किया था, उस पर आपका टिकट डिक्लेयर किया था, उसके बाद मुमरा में एक माहौल बन गया कि आपको जो है टिकट नहीं मिले, उसके लिए जो काफ़ी लोगों ने विरोध किया, उसके बावजूद भी आपको मिला, क्या ऐसा कारण रहा है? असद साहब को मालूम है कि जो MIM के कार्यकर्ता हैं वो गुंजन के साथ में हैं और इंशाल्लाह गुंजन की जीत होगी और इंशाल्लाह जम के लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो कार्यकर्ता हमारे साथ में है, MIM के लोग हैं, जो ऐसे दो चार हैं समझ लो कि नहीं है अपने साथ में, नहीं उनको भी लाएंगे हम साथ में। तो आपने सुना गुंजन शेख ने क्या कहा, अब गुंजन शेख नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने जाएंगे, लेकिन सुभाष भोईर या फिर दीपाली सैयद मराठी फिल्म अभिनेत्री, दोनों में से कोई एक आता है शिवसेना से तो यहाँ पर त्रिकोणी लड़ाई हो सकती है, नहीं तो जितेंद्र अवार्ड का रास्ता साफ हो सकता है, कई लाखों से भी जीत सकते हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।